डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है हमें। यहाँ पर सबसे पहले हमें ऑप्शंस दी हुई हैं। ए ऑप्शन है रेफर टू मैनेजिंग डायरेक्टर, बी है रेफर टू चेयरमैन, सी है रेफर टू जनरल मैनेजर, और डी है कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड, और ई है कैंडिडेट इज नॉट टू बी सिलेक्टेड। अब हमने पहले यहाँ पर कंडीशंस लिख ली थी और एक्सेप्शनल केस लिख लिए थे। एक्सेप्ट क्राइटेरिया क्या है, अब हमें कंडीशंस पता है और एक्सेप्ट क्राइटेरिया पता है। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर निरंजन फादर इज एन इंडस्ट्रियस्ट ऑफ द सिटी एंड निरंजन हैज नो प्रॉब्लम इन कीपिंग एनी अमाउंट एज डिपॉजिट with bank. He has completed BSc with 68% marks and CEIB with 60% marks. He is working in public sector bank as an officer in the foreign exchange department since last 2 years. His date of birth is 25th April 1981. Niranjan ke father ki industrialist hai aur bank mein jo amount deposit karwani hai use deposit karane mein koi dikkat nahi hai. तो यहाँ पर जो है वो 25,000 यहाँ पर डिपॉजिट कर सकता है, यानी कि जो कंडीशन ई है वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। ठीक है, ही हैज़ कम्प्लीटेड बी एस सी विद 68% और सी ए आई बी विद 60% मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बी कॉम चाहिए ना कि बी एस सी। ठीक है, बी कॉम 65% मार्क्स की होनी चाहिए मिनिमम, लेकिन यहाँ पर जो है उसने बी एस सी है उसके जो क्वालिफिकेशन है विद 68% मार्क्स। ठीक है, और सी ई आई भी 60%। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बी कंडीशन है इसे फुलफिल कर रहा है, लेकिन जो ए कंडीशन है इसको फुलफिल नहीं कर रहा। और अगर हम एक्सेप्शनल केस भी देखें यहाँ पर, तो एक्सेप्शनल केस में भी बी एस सी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है। हमें पहले ही बताया गया है कि क्वेश्चन में हमें कुछ भी एज्यूम नहीं करना। तो जो डेटा हमें दिया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, हमें उस पर बेस्ड ही सिलेक्ट करना है कि कैंडिडेट सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। अगर कोई एक्सेप्शनल केस में दिया हुआ है कि अगर वो उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई और क्वालिफिकेशन दी गई है, तो उसे किस डिपार्टमेंट में रेफर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो निरंजन है उसने बीएससी की है 68% से, लेकिन यहाँ पर जो हमें कंडीशन दी हुई है उसकी बीकॉम होनी चाहिए मिनिमम 65% से। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, यानी कि जो निरंजन है वो जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। ठीक है, तो ऑप्शन ई होगा इसका आंसर, कैंडिडेट इज नॉट टू बी सिलेक्टेड। तो अभी अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन और एक्सेप्ट क्राइटेरिया दिया हुआ है हम उस पर ही बेस्ड सिलेक्शन करेंगे, ना कि कुछ भी एज्यूम करके। ठीक है, अगर यहाँ पर बी कॉम का मीन्स ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन का मीनिंग ये नहीं है कि उसने बी एस सी कर रखी हो, बी ए कर रखी हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बी कॉम मैंशन किया हुआ है हमें, वो भी 65% मार्क्स के साथ, तो हमें उसे यहाँ पर फुलफिल करना होगा।